अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? एज़ यू गाइस नो, मेरी छुट्टियां पड़ चुकी हैं, सेमेस्टर ब्रेक है और 2-3 मंथ्स अब मैं फ्री हूं। तो आज से मैं शुरू करने लगा हूं अपना बाइक का प्रोजेक्ट और आहिस्ता आहिस्ता इस पर मॉडिफिकेशन करवाएंगे हमें, जो जो समझ आता रहेगा और जैसे जैसे बजट हमारा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे। तो अभी आज मैंने हारलोड जाना है, वहाँ से मुझे मोबाइल का काम है, वो रिपेयर वगैरह करवाना है, एक दो मोबाइल और मेमोरी कार्ड भी लेना है गोप्रो के लिए। और फिर बाद में वहाँ पास ही बाइक की मार्केट है, वहाँ से बाइक का काम करवाएंगे। बाइक की हमने ट्यूनिंग करवानी है, बैटरी या तो उसकी चार्ज होने वाली है या फिर देखेंगे अगर चेंज होती हुई चेंज करवा लेंगे। ब्रेक शूज़ के बाइक के डलवाना है और ऑयल भी शायद देखते हैं कि ऑयल चेंज होने वाला है नहीं, वो भी फिर करवा लेंगे। और उसके साथ साथ फिर हमने उसकी लेमिनेशन करवानी, उसका हमने एग्जॉस्ट लगवाना है। अभी ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा जो हमें समझ आता हुआ वो हम फिर बाइक का करवाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर बजट। बजट देखेंगे कि हमारा इतना है भी है नहीं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट बंदे हैं हम, इतना अमीर तो है नहीं। आप लोग व्यूज़ ही नहीं देते हैं, ना कोई लाइक करता है वीडियो, ना अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। खैर तो अभी चलते हैं सबसे पहले हारलोड, वहाँ पर अपना पहले मोबाइल वगैरह का काम करवाते हैं और फिर बाद में अपना बाइक का हम काम करवाएंगे। इस वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे। तो चलिए आइए चलते हैं। अच्छा, थोड़ी सी ना अपने बाइक की कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, 2-3 दिन से बहुत आंधी आ रही है रात को, रोज़ मैं बाइक का कपड़ा मारता हूँ और मिट्टी आ जाती है रोज़। अब इसका रैप वगैरह उतरेगा तो फिर वो खुद ही आ जाएगी सही कंडीशन में, फिर सारा काम करवाने के बाद वॉश वगैरह भी करवा लेंगे हम। Hours later. MMZ वाली शॉप से जो है मेमोरी कार्ड लिया है, तो शिवा कंपनी का है ना ये? शिवा कंपनी का ओरिजिनल कार्ड है, क्योक्सिया के नाम से ना। अच्छा, और होलसेल रेट पे मिला है? 100% ओरिजिनल कार्ड है, चल रहा है इस पे। तो अब इंशाल्लाह मोटर व्लॉगिंग आपको देखने को मिलेगी, भाई ने जो है होलसेल रेट पे दिया है MMZ के नाम से, हसन सेंटर में, सेकंड फ्लोर हसन सेंटर पे। चलें, थैंक यू भाई, शुक्रिया। अभी इधर हाल रोड में मोबाइल दिए हैं ठीक करवाने के लिए और मेमोरी कार्ड लिया है यहाँ से, और अब कुछ खाता है यहाँ से, थोड़ा बहुत पेट पूजा करता है। मोबाइल को तकरीबन घंटा लग जाएगा, इतने ब्रेक लेते हैं और चलते हैं फिर आगे। भाई के पास हम आए हैं, हाल रोड के मशहूर इनके दाल चावल हैं, बल्कि हलीम चावल है, ये हलीम है, पहले भी मैंने इन्हें ब्लॉग में लिया हुआ है, बड़े ज़बरदस्त, जब भी मैं हाल रोड आता हूँ यही खाता हूँ। ये एग्जॉस्ट लिया हमने, सिक्योरिटी सिस्टम है, हॉर्न है, इंजन गार्ड है और एक दो चीज़ें और करवा रहे हैं इसकी इन भाई से। अब प्लान ना थोड़ा सा चेंज हो गया, वो ये कि ट्यूनिंग के बाद मैंने कहा कि लेमिनेशन करवाऊंगा वो रैपिंग वगैरह, लेकिन मेरी कहीं बात नहीं बनी। अब प्लान ये चेंज हुआ, मैं पहले एग्जॉस्ट लगवा रहा हूँ और इसकी जो है चीज़ें लगवा रहा हूँ हल्की फुल्की, इंजन गार्ड हो गया, लाइट हो गई और सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह और क्या कहते हैं ये चीज़ें लगवाने के बाद अब मैंने सोचा कि कल जो है फिर मैं उसकी रैपिंग वगैरह करवाता हूँ। ये इधर मेक्लो रोड पर, भाई आपकी दुकान का नाम क्या है? टिकटॉक ऑटोज टिकटॉक ऑटोज के नाम से है ये मैकलो रोड पे दुकान। टिकटॉक पे की है क्या आईडी आपकी? अच्छा अच्छा यहाँ पे होलसेल रेट पे जो है ना आपको सामान मिल जाएगा। यहाँ से मैंने अभी इंजन गार्ड लिया है, लाइट ली है और क्या कहते हैं एग्जॉस्ट वगैरह, सिक्योरिटी सिस्टम, ये भी फिलहाल ये चीज़ें मैं छोटी मोटी लगवा रहा हूँ, बाकी का मेन मेन काम आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा बजट बढ़ेगा वो करवाते जाएंगे। बाइक हमारी खुल चुकी है अभी सारी, ये हमने एग्जॉस्ट लिया है, ये देखें एग्जॉस्ट लिया हमें तकरीबन कह लें 5800 का पड़ा है विदाउट बैंड, और इसके लगवाने के ये सारे चार्जेस ये अलग होंगे। लाइट ली है, सिक्योरिटी सिस्टम लिया है ये वाला सिक्योरिटी, हम इसी को यहाँ से कटवा रहे हैं एंड से, और ये एग्जॉस्ट यहाँ से लगाएंगे।
रात हो गई है, पूरा दिन गुजर गया और अभी तक काम भी नहीं हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो रैपिंग जो है वो कल ही सुबह को मैं आके करवाऊंगा। अभी फिलहाल जो है सिर्फ ये एग्जॉस्ट का रह गया, ये करवाते हैं। लाइट गई भी थी और फिर चलते हैं वापस घर। ये थोड़ी सी वाइट साइड पे वो क्या है भाई साहब ने काम करवाया है, ये देखें ये लगवाया है, की नहीं उसमें लगी। एग्जॉस्ट का भी साउंड सुनते हैं। ओके बॉस, ओके गाइस, घर में आ गया था और वहाँ पे क्या कहते हैं, जब मैं काम करवा रहा था ना तब बहुत तेज बिजलियाँ चमक रही थी। मैंने कहा काम पैदा है, उसमें वेदर में तो आ रहा था कि सुबह से ही बारिश है लेकिन हुई नहीं थी सुबह से। तो जब मैं वहाँ से निकलने लगा बिजलियाँ चमक रही थी, घर के पास पहुँचा तो हल्की हल्की बूंदें यानी पड़ रही थी। मैं इतना भीगा नहीं, कह लें 1% भीगा हूँ। और एक सैड न्यूज़ यह है कि मैं ना रास्ते में था तो उसकी ना लाइट एकदम से पहले लो बीम वाली बंद हो गई जो येलो थी, और वाइट वाली लाइट भी बंद हो गई, तो उस पर मुझे बड़ी तप चढ़ी। तो मैंने कहा कि अब वापस जाऊंगा तो बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं वापस नहीं गया, सीधा घर आ गया। अब आप देखें इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया घर मेरे आते ही, बिल्कुल घर आते ही, कि अब ओले पड़ रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं पैसे दूंगा अगर तुम अभी नहा के दिखाओ अंदर। हाँ तो मैंने नहा के दिखाऊं। ओए होए 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 होए, ओले की तरह ओले दिखाओ। तो व्लॉग को फिर हम यहीं का ख़त्म करते हैं, मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें अब हम ये इसकी YBR की रैपिंग वगैरह करवाएंगे और इंशाल्लाह इसकी टोटली लुक चेंज कर देंगे। तो मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।